आइए देखते हैं अगली खबर रीवा से चौरहटा क्षेत्र की। बच्चा चोरी के संदेह में लोगों ने दो युवकों को पकड़कर स्कूल में बंद कर दिया। पुलिस ने आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की तो एक आरोपी बच्चे का रिश्तेदार निकला। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल मामला चौरहटा थाना क्षेत्र के भिटवा गाँव का है, जहां शुक्रवार की दोपहर बाइक पर सवार होकर शासकीय स्कूल पहुंचे दो युवकों ने 8 वर्षीय बच्चे को जबरदस्ती पकड़कर बाइक पर बैठा कर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। शिक्षकों की नजर पड़ी तो उन्होंने दोनों को रोक लिया। बच्चे से जब उनके बारे में पूछा गया तो उसने पहचानने से इनकार कर दिया। स्थानीय लोगों ने बच्चा चोर समझकर उन्हें स्कूल में बंद कर दिया। जानकारी पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश देकर थाना ले आई। गुस्साई भीड़ के बीच लोगों ने दोनों युवकों को जमकर हाथ साफ किया। दोनों युवकों से पूछताछ की तो उनकी पहचान पटवा निवासी सचिन तिवारी, जो बच्चे का मौसेरा भाई निकला, वह पहली बार गांव आया था, जिस कारण बच्चा पहचान नहीं पाया। दूसरे आरोपी की पहचान खैरान निवासी आनंद सेन के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर लिया और पूछताछ कर रही है। पूरे मामले को लेकर एडिशनल SP अनिल सोनकर ने बताया कि पूछताछ के बाद ही खुलासा होगा। आपको बता दें, इन दिनों पूरे प्रदेश में बच्चा चोरी के संदेह पर युवकों को बंधक बनाकर पीटा जा रहा है। चाकघाट थाने के डेढ़ कला गांव में भी दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आइए दिखाते हैं पूरी घटना और सुनाते हैं एडिशनल SP अनिल सोनकर ने क्या कहा। पकड़े गए हैं, क्या मामला है? चोरहटा में जो है एक बच्चा अवयस्क था, वो अपने रिश्तेदार के यहाँ जाना चाह रहा था और चूंकि दूर की रिश्तेदारी थी, घर का उसको पता नहीं था। उसको ये जानकारी थी कि जोरोका स्कूल में उसके बच्चे पढ़ते हैं, उसको नाम लेकर के उस बच्चे को ले आया। बच्चा भी उससे परिचित नहीं था, तो लोगों को इस बात की शंका हो गई कि कहीं ये जो है बच्चा चोरी करने वाला गैंग तो नहीं है, जबकि वो रिश्तेदार था और उसको उसके घर के एड्रेस और पता करने के लिए, उसको घर का पता पूछने के लिए उसको उसने बुलाया था। लेकिन लोकल लोगों को ये शंका हुई कि ये बच्चा चोरी गैंग से संबंधित व्यक्ति है, तो उसके साथ बंद करके मारपीट किया, पकड़ा। ये संज्ञान में पुलिस के आया है। चोरहटा TI ने इसको जो है विषय जब आने पर इसमें प्रकरण 363 का पंजीबद्ध किया है और दोनों आरोपी जो जिनने मारपीट की है उसको गिरफ्तार किया है।